फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी दुआ से हम सब भी बहुत अच्छे हैं। और ये ब्लॉग स्टार्ट हुआ था वेडनेसडे इवनिंग से। हम सब करवा चौथ के लिए मेहंदी लगा रहे थे, जहाँ पे लिखा था सदा सौभाग्यवती भाव, और सब ने अपने अपने हस्बैंड का नाम लिख के लिखवाया था। मैंने लिखवाया था आदित्य की दुल्हनिया। तो ऐसे मस्ती करते हुए, स्नैक्स के साथ और मेहंदी लगाते हुए हमारा वेडनेसडे इवनिंग यानी कि करवा चौथ की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी थी। फिर टाइम आता है सर्गी का, तो सुबह सुबह मतलब 2:30 बजे उठ गई थी थर्सडे को, अच्छे से रेडी होकर के पैर में आलता महावर जो भी कह लीजिए लगा करके, तैयार होकर के अच्छे से। सर्गी में ज़्यादा कुछ तो नहीं करना था मुझे, बस फ्रूट लेना था। सबसे पहले गौरी मैया और करवा मैया को नमस्ते करके पूजा करके किया। और ये मेरा सर्गी के टाइम का आउटफिट था। और ये मैंने प्यारी सी एक थाली तैयार की थी जिसपे स्वास्तिक को श्री बना दिया था। और ये रेड सूट है, ये एक्चुअली मेरे पास, मैंने जब अपना पहला करवा चौथ किया था उस समय ये रेड साड़ी पहनी थी, तो उसको ही मैंने फ्रॉक सूट में मतलब स्टिच करा करके अंगरखा स्टाइल में। मैं आपको प्रॉपर लुक दे दूँगी इस सूट का एक अच्छा सा। तो ये था मेरा सर्गी के टाइम का लुक। फिर सुबह का काम ख़त्म करके फटाफट मैं डिनर प्रिपरेशन में लग गई। तो मैंने बनाया था शीर खुरमा मीठे में, ये टोटली ऑप्शनल था बट मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने बना लिया। और दही बड़ा बनाया। एक्चुअली जब से व्रत स्टार्ट किया तब से दही बड़ा बनाती हूँ। और हमारे यहाँ फरा और गौर बहुत ज़रूरी होता है, कद्दू भी की सब्ज़ी और बखीर। एक्चुअली गौर को बखीर में मिला करके ही हम व्रत तोड़ते हैं। मैंने रेसिपी नहीं कोई रिकॉर्ड की क्योंकि ऑलरेडी बहुत काम था, पूजा था। और ये था मेरे और मेरे हस्बैंड का लुक। थर्सडे था करवा चौथ में, तो मैंने येलो साड़ी, उन्होंने येलो कुर्ता डाला था और मैंने रेड ब्लाउज के साथ उसको कैरी किया था। फिर हम लोग रेडी होकर के चले गए करवा चौथ की पूजा का कथा सुनने 4 बजे के आसपास, क्योंकि फिर सूर्य देव को जल देना था। इस वजह से मैं नहीं देती, बाकी जो लेडीज़ें थी वो देती हैं। मैंने तुलसी जी में जल गिरा दिया था। फिर शाम को व्रत तोड़ा। और ये है मेरे बर्थडे का सरप्राइज़ केक जो कि मैंने देख लिया था। जी हाँ, 13 को करवा चौथ और 14 को मेरा बर्थडे, मतलब अब तक का सबसे यूनिक बर्थडे था मेरा। मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए बनाया था वाइट सॉस पास्ता, मखनी पास्ता और चिली इडली। फिर हमने बहुत मस्ती की, केक वेक काटा, थोड़ी कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक पी और फिर इवनिंग में दोबारा केक काटा। मेरा नाम निधि लिखा हुआ है और ये रसमलाई केक था। तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे दोनों निधि दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। और डिनर में मैंने बनाया था छोले, दाल वाली पूरी, अफगानी चाप, दही बड़ा था। और इवनिंग स्नैक्स में जो मैंने चिली इडली बनाया था वो बच गया था, तो हम सब ने वही खाया। और एक्चुअली मेरी कज़न का भी बर्थडे 15 को ही पड़ जाता है, तो मैंने मतलब हम सब मिलके 14th को मिडनाइट में बर्थडे सेलिब्रेट किए थे। तो मेरा भी ये बर्थडे सेलिब्रेट हो गया था इन सब के साथ और उसका भी। फिर नेक्स्ट डे यानी कि 15 को इवनिंग में हम निकल गए गुरुग्राम अपने सिस्टर इन लॉ के पास, क्योंकि उनका मन था कि बर्थडे के दिन ही मैं आ जाऊं, बट उस दिन पॉसिबल नहीं हो पाया हमारे लिए। तो हम लोग नेक्स्ट डे इवनिंग में निकल गए और फिर वहाँ पे एक मॉल है, एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है, तो वहाँ पे बीकानेर है, तो मिठाई लेने के लिए उतरी। तो देखो अब कितना अच्छा, मतलब दिवाली का मेला लग जाएगा यहाँ पे, हर मॉल में लग जाता है, तो यहाँ पे भी लग गया था। फिर हमने लिया डोनट, क्रीम रोल और मूंग दाल का बर्फी और हम आ गए घर। ये मुझे लाइट बहुत अच्छी लगी इसलिए एक छोटी सी क्लिप आपके लिए मैंने रेडी की। फिर बच्चों की मस्ती स्टार्ट हो गई और हम भी उसी में लग गए मस्ती करने। हाँ नहीं डरो भैया, आ जाओ भैया, नहीं डर, आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ। हाँ चलो चलो चलो, बैठो 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 बैठ बैठो चलो। अच्छा देखो, जो तेरी देखी शराबी
मस्ती के साथ 15 यानी कि सैटरडे इवनिंग भी ख़त्म हो गई और डिनर वेयर करके हम सब सोने चले गए गिटार वटार गाना सुनने के बाद। और अथर्व की मस्ती तो फ्रॉन चली रही थी। आपके साथ मैं कुछ फ़ोटोज़ भी शेयर करूँगी अपने बर्थडे और करवा चौथ की और मेरी लाइफ में जितनी भी ब्यूटीफुल लेडीज़ हैं उन सब की फ़ोटो शेयर करूँगी। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। आपके घर करवा चौथ में क्या होता है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अपकमिंग ब्लॉग में मैं आपके साथ अपने गिफ्ट्स रिवील करूँगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।